आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। बालाजी हनुमान मंदिर सलौड़ी में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ये मंदिर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि आसपास के राज्यों से भी भक्तों को आकर्षित करता है। ये मंदिर भक्तों के विश्वास और आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया, जहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का पौराणिक महत्व, इसके अद्वितीय वास्तुकला और मंदिर के भीतर की दिव्यता लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कराती है। बालाजी हनुमान मंदिर की स्थापना से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अपनी समस्याओं और इच्छाओं के साथ आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्त यहाँ अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सुख शांति के लिए आते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की इस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं और वे अपने जीवन में खुशहाल और सफल रहते हैं। बालाजी हनुमान मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और इसे पारंपरिक हिंदू मंदिर शैली में निर्मित किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक का निर्माण कार्य बहुत ही सुंदरता और शिल्प कौशल के साथ किया गया है। मंदिर के गुंबद, स्तंभ और दीवारों पर की गई नक्काशी देखने लायक होती है। इस मंदिर के आंतरिक हिस्सों में पवित्र और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जो वहां पहुंचने वाले भक्तों को आध्यात्मिकता से जोड़ देता है। गर्भगृह में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को सजावट के साथ सजाया जाता है, जो भक्तों को विशेष आनंद का अनुभव कराती है। प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित होते हैं और मंत्रोच्चारण की गूंज वहाँ का माहौल और भी पवित्र बना देती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल मिश्रा है। मंदिर के आप पुजारी हैं? जी पुजारी हैं। क्या विशेषता है मंदिर की? इस मंदिर में ये विशेषता है, जैसे कोई भक्त लोग आते हैं और उनको परेशान रहते हैं जी, और यहाँ हनुमान जी महाराज से अपनी अर्जी लगाते हैं कि हे भगवान, अगर मेरे कोई संकट है, आप इस संकट को दूर करके। नारी रख के जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़, जबलपुर, बहुत दूर दूर से, मतलब यहाँ मन्नत आती है और मन्नत पूरी भी होती है, तो भक्त लोग आते भी हैं यहाँ। और मंगल शनिवार को भी यहाँ भीड़ रहती है, चिलौड़ी के भक्त लोग आते हैं, मतलब हर भक्त आते हैं हर जगह से। मंगलवार को कथा भी होती है और कथा भी पंडित लोग सुनाते हैं, अच्छे जगह रहते हैं।